ये तो आ गया, क्या नाम है? श्लोक। आओ श्लोक इधर आओ, आ जाओ बच्चे। इसका क्या नाम है? हर्ष। हाँ दोनों बैठो, और एक मन आप इधर आ जाओ, आप उधर बैठो बेटे, वज्रासन में बैठो। हाँ, और मंडूकासन कितनी देर करना होता है? 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। हाँ, आपके लिए 10 ही मिनट है, पकड़ो। ये डायबिटीज वालों के लिए 10 मिनट है। अब 10 मिनट जो कर ले एक एक आसन को, आप मंडूकासन करो बच्चे। आप कितना था पहले इंसुलिन? 50 पॉइंट्स। 50 यूनिट इंसुलिन था। और कब हुआ था शुगर? 5 महीने पहले। 5 महीने पहले शुगर हुआ था। कहाँ से आए बेटा? गुजरात, कच्छ। गुजरात। क्या हर्ष नाम है? श्लोक। श्लोक हर्ष हुआ है। तो कोई श्लोक भी आता है? हाँ सुनाओ। ओम भूर्भुवस्व। ये तो मंत्र हो गया। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद के मंत्र होते हैं, फिर जो शास्त्र होते हैं ना उनके श्लोक होते हैं, उपनिषदों की वेद की जो तत्व होते हैं उनको ऋचाएँ भी कहते हैं। तो अब कितना है इंसुलिन? अभी 2 दिन हो गए, बंद कर दिया पूरा। और कितना है शुगर? शुगर अभी 150 के तो अंदर ही है पूरा। 50 यूनिट, पहले 40 किया, फिर 30 किया, फिर 20 किया, फिर 10 किया, अब बस कर दिया। डॉक्टर ने तो बोला था कि लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला था, उस डॉक्टर को पास जा कर के बोलना, डॉक्टर साहब तुम्हारी साइंस झूठी है। एलोपैथी की समस्या सारी दुनिया पर थोप रखी, अरे तुम्हारी समस्या, तुम्हारे पास में बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस का इलाज नहीं है तो क्या धरती पर ही नहीं है? ये समस्या योग आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की नहीं है, ये समस्या एलोपैथी की है। उनके पास समाधान नहीं है योग आयुर्वेद। बेटा थोड़े दिन पूरा ऐसे आहार कंट्रोल रखना, थोड़े दिन, ठीक है। 2 महीने में तेरा पेन क्रियाज इतना जबरदस्त हो जाएगा, फिर कभी कभी लड्डू जलेबी भी खाएगा जरूर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। रोज नहीं खाना। और लड्डू भी एक से ज्यादा नहीं, जलेबी भी एक से ज्यादा नहीं, फिर नहीं तो जलेबी की तरह गोल गोल घूमोगे चक्र व्यूह में। तो 50 यूनिट से 0 पर आ गया है। थोड़ा पेन क्रियाज को अवकाश दो, सबको बता रहा हूं। खीरा करेला टमाटर का ही जूस पीना बेटा, बकरी घर का पे 3 टाइम पी रहा था। 3 टाइम क्या? और मधुराशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद। हाँ। और इम्यूनोग्रिट भी ले रहे, ठीक है। ये हुई कहती थी शुगर बेटा आपको? मुझे 1 साल पहले स्किन का प्रॉब्लम था। हाँ। तो उसमें डॉक्टर ने बहुत ज्यादा गोलियां दे दी। स्किन के प्रॉब्लम में स्टीराइड देते हम, स्किन के प्रॉब्लम में आपको पवित्र करते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, नीम घनवट्टी देते हैं, आरोग्यवट्टी देते हैं, डर्माग्रिट, सरोग्रिट, मिलिनोग्रिट जैसा रोग है कैशोर गुग्गुल आदि देते हैं, और नीम का प्रयोग कराते हैं, नीम की पत्तियां भी खिलाते, पित्त का प्रशमन करते हैं, लीवर को अच्छा करते हैं, लीवर फंक्शंस को, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, संक प्रक्षारण कराते हैं, कायाकल्प का काढ़ा भी पिलाते हैं, कायाकल्प की बस्ती भी कराते हैं, जरूरत होने पर खदरारिष्ट और महामंजिष्ठा दरिष्ट देते हैं, लेप लगाते हैं शरीर पर, इसको स्टीराइड खिला दिए शुगर। ऐसे ही गफलतों में हम लोग जी रहे हैं। अब जिनको प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, स्किन की, उनको थोड़ा प्राणायाम लंबा करना पड़ेगा, जैसे बताया था ना 10 मिनट तक मंडूकासन योग मुद्रासन करो। अब तरीके से करते हैं बच्चे अच्छे। हर्षा आप बताओ आपको कितना था बेटा? तो मुझे यहाँ आने से पहले मैं टोटल 20 यूनिट इंसुलिन ले रहा था, 5-5 यूनिट। आपको कब हुई थी शुगर? मुझे 4-5 साल पहले पता चला। लो पहले तो मैं कहता था भाई अभी हुई है तो अभी आ जाओ तुरंत, पेन का ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अब मेरे पास जिनको 5-5 10-10 साल पहले जिन बच्चों को हुई थी
उनको भी हर्ष की तरह हमने हर्षित किया है, प्रसन्न किया है, उनको नॉन डायबिटिक किया है। ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी पूरे देश के मीडिया के सामने कहा, मैंने कहा यदि इंसुलिन बनाने वाले को नोबल पुरस्कार मिला तो इंसुलिन छुड़ाने वाले को तो डबल नोबल मिलने चाहिए। कोई छुड़ा के दिखाए माई का लाल, ये योग से ही छूटता है। अब यहां कितने दिन हुए बेटा? यहाँ मैं 24 तारीख को आया था, तो आज 6-7 दिन पूरे हो गए। और अभी ऐसा है कि मेरा पहले 5-5 यूनिट लंच डिनर के पहले इंसुलिन लगता था और रात में 10 यूनिट सोने से पहले। यहाँ खाने वाला तो अभी नहीं ले रहा हूँ 2 दिन से, और रात में सोने से पहले भी वो 10 से 11 था, अभी 8 यूनिट है। अब धीरे धीरे, अभी 4-5 साल पुराना था ना तो पेनक्रियाज को उसने, अब जैसे जब आप बाहर से इंसुलिन लेने लगते हैं ना तो पेनक्रियाज और आलसी हो जाता है, बोलो बाहर से मिल ही रहा है ना, जिनको मुफ्त का माल मिल जाता है ना तो आलसी हो जाते हैं, तो पेनक्रियाज भी आलसी हो जाता है जब बाहर से इंसुलिन मिलता है, तो फिर वो सोचता है बाहर से तो मिल नहीं रहा भाई, चलो अपने आप ही काम करना पड़ेगा। और फिर काम करने के लिए मंडू का आसन और ये सब अभ्यास कराते हैं, खान पान ठीक करते हैं, औषध देते हैं। कैसे हुआ था बेटा आपको? तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छे करीब 8-10 साल पहले जब मैं 11वीं या 12वीं में था तब डेंगू हुआ था। उस टाइम या तो बीमारी से या उस वक्त जो एंटीबायोटिक थी उससे शायद हो गया। ये एंटीबायोटिक्स जो लेते हो, स्टीराइड लेते हो, सुन लो, और यहाँ तक कि बुखार के लिए जो पैरासीटामोल क्रोसिन आदि खाते हो, इनसे भी सर्दी जुकाम आदि की दवाई लेने से भी बच्चों को हो जाता। बच्चों का पेनक्रियाज बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो बच्चों को बुखार होने पर फिवोग्रिट देना, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिट देना, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, एलोपैथी की दवाई मत देना। तो हर्ष बेटा आप भी अब चलो, 2 टाइम की तो छुट गई, 1 टाइम बची है, ये भी अब 2-3 दिन में, मैंने बोला था 2 सप्ताह अधिकतम 2 माह, बेटा लगे रहना, पूरी मुक्त हो जाओगे। करो आप भी, आप योग मुद्रासन करो, मंडूकासन, वज्रासन में बैठ के और पद्मासन में बैठो, योग मुद्रासन करो। अब ये बच्चे तो पूरा कर लेते हैं, बाकी लोग पूरा कर नहीं पाते। एक मैया आई कल 52 किलो की थी, अब रह गई 32 किलो की, बोले बाबा जी मैं मरने से बच गई, 35 किलो की रह गई। लीवर सिरोसिस, बोले घर पे ठीक कर लिया जो आपने बताया, इस मैया को भी ऊपर भेजो, नहीं तो अभी तक तो ऊपर ही पहुंच गई होती है। हाँ, ऊपर ले आओ इसको। ये मैया जो आप देख रहे हो ना, लीवर सिरोसिस से लोग परेशान हैं, लीवर खराब हो गया जी, किडनी खराब हो गई। ये भी विश्व में हमने पहली बार करके दिखाया है, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर कैंसर को हमने ठीक किया है। ये दवाइयां हैं इसकी, लिवोग्रिट, लिवोग्रिट वाइटल, लिवामृत, ये सब अब तो रेडीमेड दे दिया है। फिर सर्वकल्प का काढ़ा पिलाते हैं दिन भर, उसी की बस्ती देते हैं, भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोय, शोनाक और एरंड के पत्तों का रस, 5 चीज़ों का जूस पिलाते हैं, लोगों को मरने से बचाते हैं। ये मैया अपने बेटे के साथ आई है, इसको शुगर भी था, इधर आ, ऊपर से आता सीढ़ियों से, ये मरने से बच गई है बुढ़िया। और अब इसके घर में 2 पक्ष हो रखे हैं, एक एलोपैथी वाले, एक आयुर्वेद वाले है। इसके बच्चे बोलते हैं माँ तू मरेगी, ये कहता मैं नहीं मरूंगी, जो बाबा कहता है वो करूंगी। अब तेरा लीवर का क्या हाल है? लीवर सिरोसिस मेरा पूरा ठीक हो गया है। लीवर सिरोसिस किसने बताया था तुम्हें? लीवर सिरोसिस से कहाँ कहाँ घूमी थी? मैं भुवनेश्वर अपोलो गई थी, भुवनेश्वर अपोलो में गई, फिर वहाँ का दवाई चालू था तो वो बोला कि ठीक नहीं होगा, ऐसा ही दवाई करते रहो, बोला करते रहो जब तक जियो तक तब जी लो, फिर लीवर खराब हो जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट कर लो। मेरा बड़ा बेटा यहाँ पतंजलि से जुड़े हो तो वो बोला कि मैं ठीक करूंगा, मैं ले जाऊंगा हरिद्वार पतंजलि,
मेरे माँ को ठीक करूँगा बोल के वहाँ से मेरे को लाया। और घर में क्या क्या खाया? घर में तो कुछ नहीं खाने दवाई देते। दवाई लिवोग्रिट लिवामृत लिवामृत वो खाती रही। पुनार नवाब मंडूर ये सब खाती थी। और खाने में क्या खाती थी? खाने में तो मेरे को थोड़ा सा दूध फ्रूट बकरी का दूध बकरी का दूध बताया तो वो पिया। हाँ वो पीती थी। खाने में तो बहुत ख्याल रखती थी मैं। गेहूं और चावल तो 2 साल हुआ पूरा बंद कर दिया। मैंने गेहूं चावल बंद करवा दिया लोगों का। नहीं खाती हूँ। मैंने कहा जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। वो बाजरा मक्का जौ वही आके उसका रोटी खा। ये घर पे ठीक होके आइए अब। और साथ में वो शुगर का क्या हाल है? शुगर अभी ठीक है। अभी यहाँ दवाई भी एलोपैथी का बंद कर दिया आने के। कितने साल से शुगर था? शुगर 3-4 साल से थोड़ा थोड़ा हो। कभी बढ़ता था कभी होता घटता था। खाते थे खाती थी। कितना था? 52 kg था। अभी मैं 37 kg हो गई। 35-37 kg आ गया। वो सारा शरीर डायबिटीज हो गया लीवर खराब हो गया। अब वापस तगड़ी हो जाएगी। हाँ बस आपका आशीर्वाद है। कितनी उम्र है? मेरा का 70 साल हो गया है। 70 साल में यह हौसला है। देखो मरे जा रहे हैं बाबा जी लीवर सिरोसिस हो गया लीवर फेल हो गया किडनी फेल हो गया। रे लीवर फेल हो गया तो लिवोग्रिट लिवामृत ले ले। किडनी फेल हो गई तो रिनोग्रिट ले ले और नीम और पपीते के पत्तों का रस पी ले। गोखरू पानी पी ले। जो का आटा खा जो का दलिया खा बाकी सब अड़ग बड़ंग खाना बंद। का जूस भी पीती हूँ। करेला और कंकड़ी टमाटर का जूस भी घर में डोली पीती थी। बहुत ख्याल रखती थी जैसे भी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ बोल के। तो दुखी होकर के कौन जीना चाहता है? रोगी होकर के। और जब रोगी दुखी हो जाते हैं ना तो परिवार वालों को और दुखी करते हैं। कुछ दिन तो सेवा करते हैं और इसके तो बच्चे चलो अच्छे नहीं तो सोचते हैं भाई ये इस बुढ़िया का जल्दी मोक्ष हो जाए तो अच्छा है। ना, मेरा ये बड़ा तो दुखी करते हैं। 2 बेटा 2 बहू घर का सब मेरे बहुत प्यार करता है। बहुत सेवा की इतना सेवा की कि मैं अभी एकदम ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी भगवान सबको दे। लेकिन अब देखो क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो राधा चावड़ा। राधा अभी राधा कृष्ण जी के पास पहुंच गई होती यदि योग ना करती। खुश रहो खुश रहो भगवान राजी राखे। तो इसके घर में एक बेटा तो एलोपैथी का चक्कर में पड़ गया। एक बेटा क्या कहता? दवाई खा लो जल्दी अच्छा हो सब खा। एक बेटा बोलता है एलोपैथी की दवा खा। ये क्या बोलता है? कुछ नहीं खा ये नहीं खा। मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। जब भी 2021 में पहली बार डिटेक्ट हुआ लीवर सिरोसिस तो हमने सब जगह पता लगाया। तभी पतंजलि में लीवर सिरोसिस के लिए भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। और फिर हमने योगपीठ में बताया इनको और वहाँ से जो निर्देश किया हुआ तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उनको दवाई दी। तो फिर हमने एक बार ऐसे ही कुछ नहीं हुआ था हमें मैं और मेरी वाइफ दोनों रजिस्ट्रेशन करके अपना कुछ भी ऐसा बता के हम लोग योगग्राम में भर्ती हो गए। तो वहाँ हमें नीरज जी से मिलना था। तो नीरज जी से मिल के जब हमने बताया कि ऐसा ऐसा है पेट फूला हुआ है हाथ पैर एकदम पानी भर जाता है पेट के अंदर। हाँ। है पेटाइटिस। एलोपैथी वाले तो विश्वास था ही नहीं उनके तो साइंस ही नहीं। उनके तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी है वही उल्टी पुल्टी है। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले भी विश्वास नहीं करते थे। फिर उस टाइम एक ही सिरप चलता था लिवामृत सिरप आता था लिवामृत का तो वही पिला रहे थे और पुनर्नवा मंडूर ये सब दे रहे थे। फिर नीरज जी से बात की थी तो उन्होंने कुछ ऐसे बताया खाने पीने में क्या लेना चाहिए। चकोतरा खाना चाहिए
ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो वो सब हमने बातें उनसे सुन के फिर उसी हिसाब से घर में आके उनके सलाह ली। दो साल से तो लिवोग्रिट और सब मिल गया, अभी मिल गया उसके बाद, लेकिन उस टाइम में नहीं था ये सब। और सर्वकल्प काढ़ा तो था, सर्वकल्प काढ़ा था वो जबरदस्त। सर्वकल्प काढ़े का ही एक्सट्रैक्ट करके लिवोग्रिट बनाया गया है, वो 25-30 साल से है। पानी जब भर गया था तब हम लोग बहुत परेशान हुए थे, फिर गोखरू ये वो बहुत चीज, गोखरू और पुनर्निवास से जो पानी भी है वो भी निकल जाता है। चलो अब तो सारा परिवार प्रसन्न है, चलो अभिनंदन। स्वामी जी से कहूँगा दो टेबलेट दो बनानी चाहिए, एक तो ऐसी टेबलेट जो खाते ही आदमी लोगों का आलसपन निकल जाए आलसपन निकल, और दूसरी एक टेबलेट ऐसी जो मुंह में डालते ही जीभ का स्वाद बदल दे तो जीभ का स्वाद ऐसा हो कि कुछ भी खाओ उसको टेस्टी लगना चाहिए। हाँ, ये दो टेबलेट बनाने की बहुत जरूरत है तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। एक तो दुष्प्रचार करके, झूठ बोल बोल करके, बार बार झूठ बोल करके, षड्यंत्र करके पूरी दुनिया में भ्रांति फैला दी कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, सोरासिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, SLMS, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, ये तो ठीक ही नहीं होते, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये तो ठीक होने का मतलब ही नहीं। क्यों? ये एलोपैथी में इसका समाधान, अरे एलोपैथी में नहीं तो क्या, एलोपैथी दुनिया है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले जो हमें ज्ञान दिया योग का, आयुर्वेद का, निसर्ग का, प्रकृति का, संस्कृति का, उस अपने योग आयुर्वेद निसर्ग में, प्रकृति में, संस्कृति में, सनातन में सारे रोगों का ही नहीं, सारे दुखों का अथ तीव्रत दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है दर्शन का सूत्र है। भाई कह रहे थे कोई दवाई बना दो इसके लिए, तो विकल्प रहित संकल्प, और कि सारी सृष्टि देखो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने शरीर के भी 37 ट्रिलियन सेल्स पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये प्रमाद तन में नहीं है, मन में है, इसको ठीक करो मन को। मैं कल आपसे जो बता रहा था ना उस बात के साथ आगे बढ़ाऊं उससे पहले अभी श्लोक का उदाहरण दिया, हर्ष का उदाहरण दिया। डॉक्टर अमित भाई पटेल, 1 साल पहले शुगर का पता चला, 278 शुगर था, 450 तक पहुंच गया, फिर और बढ़ता ही गया, 35 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, पतंजलि वेलनेस आने के बाद अब 106 शुगर है और इंसुलिन बंद हो गई। अमित भाई क्या छे, इधर कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। प्रदीप शाह जी पश्चिम बंगाल से, शुगर के कारण राइट आई साइट चली गई थी, घर पर ही प्राणायाम किया, मात्र 6 दिन के इलाज से आई साइट 40% वापस सही हो गई, शुगर भी ठीक हो गया, आई साइट चली जाती है शुगर से, किडनी चली जाती है। रविंद्र कुमार, उसकी भी आई साइट, चश्मा, सब ठीक हो गया। क्या नाम भाई, अनुलोम विलोम करो, देखो कपाल भाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, अपने अपने अभ्यास करो। ओम स्वामी जी। ओम। मैं डॉक्टर अमित पटेल, छत्तीसगढ़। डॉक्टर अमित पटेल। किस चीज में डॉक्टरेट किया बेटा? मैं BAMS किया हूँ, आयुर्वेद। BAMS डॉक्टर है खुद, क्या हो गया था बेटा? मुझे 1 साल पहले पता चला कि शुगर हो गई और वेट डाउन हो रहा था। हाँ। और मुझे कोविड भी हो गया था। कोविड, और कोविड की बात तो शुगर और बढ़ती है फिर जी। तो मुझे उससे ना बीपी की भी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया जी। तो फिर टेबलेट ले रहा था मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन खाते हैं ज़्यादातर, तो उससे और मेरी कंट्रोल नहीं हुई, वेट डाउन होते गई, बढ़ते जा रही थी और बढ़ता गया जैसे जैसे दवा की जी। तो डॉक्टर ने फिर इंसुलिन लिख दिया था। कितना इंसुलिन था? 35 यूनिट। और अब कितना है? अभी तो 10 लिया था, फिर 8 लिया, फिर अभी फास्टिंग किया तो आज 100 आया था। लो अब फास्टिंग में 100 आ रहा है। अब इंसुलिन बंद कर देना डॉक्टर साहब जी। जी स्वामी,
और पेनक्रियाज रीएक्टिवेट हो जाएगा, रीजुविनेट हो जाएगा। ये एक शब्द है, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो माइक्रो लेवल पर जाकर के आपके डीएनए को रिपेयर और रीजुविनेट करते हैं, पेनक्रियाज को रिपेयर और रीजुविनेट करते हैं। चाहे डॉक्टर हो, चाहे पेशेंट हो, कोई भी हो। आपकी उम्र कितनी बेटा? मेरी 31। 31 है तो जो भाई डॉक्टर भी ठीक हो गया है, जोरदार अभिनंदन है, ऊपर आओ तुम। अब इसकी भी 34 यूनिट इंसुलिन थी, इसकी भी बंद कर दी है। अब ये तो खुद ही डॉक्टर है, लेकिन ठीक हो गया। आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। हाँ, ओम स्वामी जी, मैं रविंद्र कुमार सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया हूँ। 2013 में मुझे ग्लूकोमा हो गया था। एम्स में दिखाया, वहाँ पे नंबर लगा हुआ था, मेरे आँख में काफ़ी धुंधलापन और लाल हो गया था और कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसके प्रेशर बढ़ गए थे। अब फिर मुझे प्राइवेट सेंटर फार साइट में ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किए डॉक्टर। फिर मैं राइट साइड का ऑपरेशन करवाया, फिर इसके बाद चश्मा लग गया, दवाई चली और 10 साल से मैं चश्मा लगा रहा था। यहाँ आने के बाद, आने से पहले मेरा लेफ्ट आई का प्रॉब्लम आ गया, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब तो ये नेचुरल आई थी मेरी राइट साइड के होने के बाद बावजूद इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, इसमें भी हो जाएगा तो मेरी लाइफ तो बेकार हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं आपकी शरण में आया यहाँ, और फिर मैं अभी 7 दिन पहले आया, पहले दिन से ही मुझे आराम होने लगा और 6ठे दिन से मेरा चश्मा उतर गया और मेरी आँख आई ग्रिट और ड्रॉप लेके, आई ग्रिट टैबलेट लेके पूरी तरह से मेरा चश्मा उतर के मैं फील कर रहा हूँ, बेटर फील कर रहा हूँ। मेरा अब यहाँ अक्षी तर्पण कराते हैं, अच्छी तर्पण करवाया, जल नीति करवाते हैं जी, आई ग्रिट देते हैं, आई ग्रिट की बस्ती देते हैं जी जी जी, मैं बड़ा आभारी हूँ। ग्लूकोमा कैटरिक दोनों ठीक होते हैं? ग्लूकोमा जो है मेरा सही हो गया, और स्किन डिजीज थी वो भी सही हो गई। मैं देख रहा हूँ मेरे नाखून खराब हो रहे थे, अब सीधे सफ़ेद होने लगे, बढ़िया काले हो गए थे, वो भी सही हो रहा है। स्किन का भी नाखून काले पड़ गए थे, वो भी ठीक हो जी। चलो खुश रहो जी। नरेंद्र सिंह सिकरवार बोलो जी, 350 शुगर थी, यहाँ तो 6 दिनों में 150 पर आ गई, दवाई सब बंद हो गई। उमेश कुमार जी, 2006 से शुगर थी, 550 रहती थी, यहाँ के बाबा जी शुगर तो 85 आ गई, कहाँ ये उमेश कुमार, 51 साल के, दिल्ली से आए हुए। ये इंसुलिन डिपेंडेंट ही नहीं, सामान्य भी। अब ये वैसे भी दुबला पतला हो गया था शुगर के कारण, अब शुगर से दुबला पतला भी हो गया। और कितनी रहती थी शुगर बाबा जी? 550-400, खाना खाने के बाद 550 थी। लो, खाली 450, खाली पेट। और यहाँ? यहाँ पर आगे 4-4 दिन मैंने नापी थी तो शुगर मेरी आ गई थी 85, सुबह 4 बजे की 85 शुगर आ गई। बाबा जी दवाई मैं वहाँ की भी खा रहा हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया था दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इंसुलिन। बोले दवाई काम का नहीं कर रही, ये मेटफॉर्मिन और पता नहीं क्या क्या खाते रहे, तो बोले अब दवाई असर नहीं कर रही, तेरे को इंसुलिन ठोकेंगे। इसने बोला, सोचा कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ छेद करेंगे, अब पूरे शरीर को छलनी कर देंगे, मैं चलो बाबा के पास चलता हूँ। क्या नाम भाई? उमेश कुमार। कितने साल से शुगर मेरे को? 18 साल से बाबा जी। 18 साल की शुगर, और यहाँ कितने दिन हुए? यहाँ पे बाबा जी आज 7वां दिन है, आज घर जाना है। लो, अब 7वां दिन है, शुगर को विदा करके जा रहे हैं। पर बाबा जी अभी दवाइयाँ बंद नहीं करी हैं, डॉक्टर ने कहा भी 1 हफ्ते बाद दवाई बंद होएंगी, धीरे धीरे कम करते रहना ना। अभी एलोपैथी की दवाई बंद कर दो, आयुर्वेद की शुरू कर दो। ठीक है बाबा जी, वो तो खा रहे हैं, आयुर्वेदिक वाली तो खा रहे हैं। ठीक, एलोपैथी की दवाओं ने काम करना छोड़ दिया था, अब वो बंद करो और बस खाना पीना वैसा ही जैसा यहाँ। ठीक है बाबा जी, थोड़ा पेनक्रियाज को अवसर दो उभरने का, उसको ठोक ठोक करके हम परेशान कर देते पेनक्रियाज को ही। पेनक्रियाज जैसे ही उसके ऊपर खाने का भार वजन डालते हैं, उन्हें सोचता है फिर आई मुसीबत, अब ये 1-2 किलो राशन फिर हजम करना पड़ेगा। तो अपने पेनक्रियाज को थोड़ा रिलैक्स करो बेटा। ठीक है उमेश, पूरा ठीक हो जाएगा।